हेलो गाइस, तो कैसे आप सुन लोग। मैं बोलूँ ठीक, तो लेके आ चुका हूँ वापस से आप लोगों के लिए एपिसोड 5 ऑफ माइनक्राफ्ट सीरीज। और आज मैं बनाने वाला हूँ अप ग्राउंड हाउस। तो ये हाउस एक ऐसा हाउस है कि ये मेरे आम हाउस की तरह होगा, लेकिन ये इससे मैं अपने ऊपर वाले पोर्शन में बनाऊंगा। यानी आपने देखा होगा कि पिछले एपिसोड में मैंने बनाया था चिकन फॉर्म और उसकी छत। तो आज फिर हम बनाएंगे उसकी छत पर अपना ये फ्लाइंग होम ग्राउंड। तो ये ग्राउंड समझने की गलती मत करना, सॉरी। बट इसमें क्या होगा कि हम ना अपना जो एक घर होता है, जिस तरह हम उसमें आम अपना सामान रखते हैं, बेड रखते हैं, ऐसे ही हम उस पर भी रखेंगे। लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा हमारे पे, वो थोड़ा छोटा होगा। घर, ये जो घर मैंने बनाया है, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन वो थोड़ा छोटा होगा। तो चलो अभी वो घर बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले ये गाय जो है, मैं कहाँ से आ गई मेरे फॉर्म, चिकन फॉर्म में। तो अभी इसको मारते हैं और उसे पकाते हैं। चलो तो गाइस, हमने वो सब काम तो कर दिया है, अब बस यहाँ से निकलते हैं। और गाइस मैं जो है इसे बंद कर दूँ। हाँ चलो, अच्छा हो गया, सही टाइमिंग में किया। तो गाइस अभी फटाफट से हम चलते हैं। लेकिन उससे पहले जितने भी मेरे प्यारे क्रिश्चियंस दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से एडवांस में क्रिसमस मुबारक हो। और कल जैसे कि क्रिसमस है 25 दिसंबर, तो कोई भी मुझे चैलेंज दे सकता है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे या फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और एक और बिग अनाउंसमेंट जो मैं करने वाला हूँ, वो ये है कि अब जो भी मेरी वीडियो को के कमेंट सेक्शन में जाकर #opyyt लिखेगा, उसे मिलेगा शाउट आउट, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग बात है मेरे #आदिल फैंस के लिए। तो फटाफट से जाओ और #opyyt लिख कर आओ। तो फटाफट से अभी हम इस बातें कम करते हैं और गेम को शुरू करते हैं। तो फटाफट से ये जो आपको छत इस वक्त दिख रही है, इस छत पर ही हमारा बनने वाला है अप ग्राउंड होम। तो फटाफट से अब इसको बनाने के लिए शुरू करते हैं काम। तो ये मैं इसको डर्ट से बनाने वाला हूँ, तो इस वजह से मेरे पास डर्ट है। और आप देख सकते हैं चिकन मेरे पास कितनी कमी है। मैं ऐसे ही घूम रहा था तो मुझे चिकन मिल गए थे आराम से, मुझे फिर मैं उन्हें ले आया था। या दे सकते हैं कोई 4, 5, 8 तो होंगी चिकन। तो अभी फटाफट से अब मैं अपना काम शुरू करता हूँ। तो अब ग्राउंड बनाने के लिए सबसे पहले मुझे स्टेयर्स चाहिए। अगर स्टेयर्स नहीं होंगी तो ऊपर कैसे चढ़ेंगे। तो स्टेयर्स मैं खुद बनाऊँगा डर्ट की मदद से। फटाफट से अब उसको बनाना शुरू करते हैं। तो फटाफट से अभी मेरे पास डर्ट की कोई कमी नहीं है, 29 डर्ट्स मेरे पास जो हैं और हैं। तो फटाफट से मैं स्टेयर्स बनाता हूँ। स्टेयर्स बनाने के लिए मुझे लोकेशन चाहिए, लेकिन उससे पहले एक चिकन मुझे मिल गया था, मैं उसको पहले अपने फॉर्म में ले आता हूँ और उनको फीड भी खिला देता हूँ, ताकि अपनी आबादी जल्द से जल्द बढ़ाए। और इस फॉर्म में ना सिर्फ ये ही बल्कि बहुत से चिकन हों, मुझे चिकन लाने की जरूरत ना पड़े। तो फटाफट से अभी मैं जो चल कर इन्हें फीड खिला देता हूँ। फीड इन्होंने खा लिया, अब बस आराम से मैं आगे चलता हूँ। और इन्होंने अंडे भी, आप देख सकते हैं इन्होंने अंडे भी बहुत दे दिए हैं। एक अंडा वहाँ, एक अंडा यहाँ पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पर। तो फटाफट से अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ और अपने जो अप ग्राउंड हम बनाएंगे उसकी तैयारी करता हूँ। तो यार इन्हें एक बार फिर फीड खिला देता हूँ। फटाफट से अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से। लेकिन गाइस अब फटाफट से मैं निकलता हूँ यहाँ से। और हाँ, तो मैं कह रहा था कि अब से जो भी हमारे वीडियो पे #opyyt लिखेगा, मैं उसे शाउट आउट दूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप मुझे #opy लिखेंगे तो मैं आपको शाउट आउट भी दे सकता हूँ। फटाफट से यहाँ से अब निकलते हैं, क्योंकि अगर मैं गेट से निकलूँगा ये चूज़े फटाफट से आएंगे मेरे पास और निकल जाएंगे। और वैसे भी ये गेट बंद करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है,
और अभी यार मैंने यहाँ से निकला हूँ और ये देखो, ये अभी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं डर्ट में लगा देता हूँ, इनसे ये नहीं जा पाएंगे। एक मिनट, लेकिन क्या यार, ये तो वहाँ से छलांगे मारने निकल रहे हैं। मेरे ख्याल में इन्हें बाउंड्री लगानी पड़ेगी, अगर बाउंड्री होगी तो वो नहीं निकलेंगे। और यार वो तो निकल गए, मुर्गियों ने तो हमारे साथ एकदम प्रैंक कर दिया, मोए मोए कर दिया। और फटाफट से ये हम उन्हें वापस लाते हैं सीड्स की लाइन पे, क्योंकि वो सीड्स होते हैं ना तो वो भाग कर आती हैं, क्योंकि सीड्स उन्हें बहुत पसंद है। फटाफट से अभी मैं ये डर्ट हटाता हूँ और उनको पहले यहाँ बुलाता हूँ सीड्स के लालच में। हाँ, इन्हें थोड़ा सीड भी खिलाते हैं। और ये जितनी मुर्गियाँ हैं वो भागी भागी और पागलों की तरह आ रही हैं, देख सकते हैं आप। और अभी फटाफट से मैं यहाँ से डर्ट हटा दूंगा और इसकी जगह फिर मैं बाउंड्री लगा दूंगा, जिससे ये जंप नहीं कर पाएंगी और ये वापस नहीं जा पाएंगी। क्योंकि ये अगर ये बाउंड्री होगी तो ये आ तो जाएंगी लेकिन जा नहीं पाएंगी, तो इस वजह से मैं तो बाउंड्री लगाऊंगा। फटाफट से इन्हें सीड थोड़ी खिला देता हूँ ताकि ये वापस बाहर ना जाए। ये सीड खिलाती है इनको। अब बस मुझे एक बार, मैं मुझे निकलने दो, फिर इन्हें बताते। एक मिनट, एक बंद हो जा, बंद हो जा। ओ, बंद हो गया। वरना कभी क्या होता है कि मैं तो बंद ही नहीं होता और फिर गलत सीन हो जाता है मेरे साथ। तो अभी फटाफट से मैं इसको तोड़ो पहले तो, हाँ, और बाउंड्री बना दो। अभी मैं बाउंड्री मेरे पास है और ये बाउंड्री है, इसको मैं अभी मैं इधर लगा दूंगा। और हाँ, वैसे बाउंड्री ख़त्म हो गई थी और अब ये सही हो गया, लेकिन अभी तो ये सिर्फ बहुत सी यार चली गई हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इन्हें वापस लाते हैं। अभी सीड्स मैंने फेंक दी हैं, अब वहाँ खुद ही चली जाएंगी। जिनको जाना होगा वो खुद ही चली जाएंगी, उन्हें जाना होगा तो वो नहीं जाएंगी। तो फटाफट से मैं अपना काम जो है वो शुरू करता हूँ। और मैं सोचा हूँ अपना स्टेज जो है ना वो ऐसे बनाए कि हम इधर से ऊपर चढ़ के जाएँ, तो उसके लिए मैं स्टेज बनाता हूँ। डर्ट से स्टेज बनाऊँगा मैं। ए मुर्गी वो घूम रही है। अभी हमें मुर्गियों के ऊपर ध्यान नहीं देना, वो चाहे जहाँ जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमें, मुझे थोड़ी सी ऐसा करता हूँ, डर्ट कलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे उसकी क्या पता आगे ज़रूरत पड़ जाए। वैसे भी मेरे पास थोड़ी ही डर्ट पड़ गई, 24 जो है डर्ट्स मेरे पास हैं अभी, लेकिन अभी 26 हो गई हैं जैसे आप देख सकते हैं। और अभी थोड़ी और डर्ट लूँगा और ये 35 डर्ट्स हो गई हैं। अब कोई टेंशन नहीं, अब तो मेरा ये फ्लाई होम बन ही सकता है। तो फटाफट से अभी मैं इसको कर लेता हूँ। और ये मैंने थोड़ी गलत स्टेज बना दी, लेकिन अभी मैं इसको ठीक करूँगा। स्टेयर्स मुझे बनाना आती हैं एकदम प्रोफेशनली, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। तो ये सब मैंने जो स्टेयर्स बना ली हैं आप इधर देख सकते हैं। इधर स्टेयर्स मेरे ख्याल में थोड़ी सी गलत बन गए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी इनको थोड़ा सा रिमूव करते हैं, उन्हें सही करते हैं। तो फटाफट से इधर से, इधर से। और अभी रात होने वाली है तो मेरे ख्याल में मैं भी जो है बारात निकलेगी अभी ज़ॉम्बीज़ की, तो ज़ॉम्बीज़ की बारात निकले इससे पहले मैं जाकर सो जाता हूँ अपने घर में। सूरज गरूब होने वाला है, फटाफट से भी जाते हैं। लेकिन मैं सोचा हूँ थोड़ा सा डर्ट कलेक्ट कर लूँ। हाँ चलो ठीक, अच्छा है, अभी हम निकलेंगे। और ये आप देख सकते हैं सूरज गरूब होने का मंजर इन माइनक्राफ्ट, सो रियलिस्टिक। चले अब आकर सो जाते हैं फटाफट से। और ये आप देख सकते हैं मेरी वीट थोड़ी थोड़ी तो उगना शुरू हो गई है, अब थोड़ी सी उगेगी इंशाल्लाह, लेकिन जल्दी उग जाएगी। तो ये गेट बंद कर, तो पहले तो ये ना कोई ज़ॉम्बी आके मुझे मेरे घर में ही मारते। तो फटाफट से अभी मैं गाइस सो गया हूँ और अभी मैं वापस से उठ चुका हूँ। गाइस अभी फटाफट से आज हम अपना अधूरा काम जो है वो पूरा करेंगे।
और ये स्ट्रेस जो मैंने कल थोड़ी सी बना ली थी वो आई थिंक पूरी हो गई है। एक मिनट मैं थोड़ा रास्ता साफ़ कर दूँ ताकि मुझे डर्ट भी मिल जाए फ्रेम की और थोड़ा रास्ता भी साफ़ हो जाएगा। तो अभी डर्ट तो मुझे मिल चुकी है काफ़ी सारी, 25 डर्ट्स आई थिंक, इनमें तो स्ट्रेस बननी चाहिए ऑब्वियसली। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और गाइस, मैंने अभी के अभी एक टेलीग्राम भी बनाया है, अपना टेलीग्राम चैनल, तो जाओ फटाफट से और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। उसका नाम है आदिल सुल्तान ओपी, और फटाफट से जाओ और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऑन न्यू ऑन टेलीग्राम। लिंक मैंने दिया था पिछली वीडियो में, तो वहाँ से जाकर ले रहा हूँ। बाय द वे, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी माइनक्राफ्ट एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 4 तक, तो जाओ फटाफट से अभी के अभी जाओ और देखो। और गाइस, ये बातों बातों में हमारी स्ट्रेस थोड़ी सी कंप्लीट हो चुकी है, अब बस हमें थोड़ी सी और ड्रेस इस तरह लगाएंगे, ये इस तरह इधर भी भर देते हैं थोड़ी। और हमारी स्टेयर्स कंप्लीट हो गई हैं, फुल टू फुल कंप्लीट हो गई हैं। अभी हम अपना जो ऊपर चल रहे, लेकिन मैं सोचा था इधर बना दूँ, लेकिन मेरी जो है ख़त्म हो गई, आप देख सकते हैं बाउंड्री, और मुझे बाउंड्री की ज़रूरत थोड़ी सी पड़ सकती थी जो कि ख़त्म हो चुकी है। और डर्ट्स भी मेरे पास 10 नहीं बसी हैं, इन 10 में तो नहीं हो सकेगा। तो मेरे पास 10 डर्ट्स हैं और 10 डर्ट्स में तो मेरे ख्याल में मेरा होम नहीं बन पाएगा, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, अभी फटाफट से मैं थोड़ी सी और डर्ट जो है कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। आप बस मुझे तो मिनट दीजिए, मैं अभी के अभी जो है थोड़ी सी डर्ट को कलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट से। और देखिए, इस वक्त हमारी जो तलवार थी वो भी फिनिश हो चुकी है। तो फिलहाल तो गाइस बारिश भी है, बस आप मुझे 2-3 एक मिनट दीजिए, मैं अभी के अभी जो है डर्ट को, और मेरे पास कोई और हथियार भी नहीं है, शवल थी जो कि वो भी टूटने की है। तो गाइस, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं अभी के अभी जो है डर्ट को कभी डर्ट कलेक्ट करके लाता हूँ। तो गाइस, मैं वेलकम बैक। तो अभी मैंने बाउंड्रीज भी बना ली हैं और ये डर्ट भी मैंने बहुत मेहनत से और ढूंढ ढूंढ कर कलेक्ट कर लिए हैं। तो अभी फटाफट से जाकर हम लगा देते हैं ये डर्ट। अभी सबसे पहले मैं फटाफट से इस तरह करूँगा और इस तरह कर कर और इस तरह लगाएंगे हम, और सकूद कर और ये लगाती हैं। चलिए,
और हमने इस तरह ट्रायल लगा दी है। मेरे ख्याल में इतनी ठीक होगी डैट छत बनाने के लिए, और मुझे जरूरत नहीं है, तो अभी फटाफट से बनाते हैं अपना होम। तो अभी फटाफट से एक साइड बनाते हैं अपने घर की जल्दी जल्दी। सो गाइस, तो अभी फटाफट से, और यार मैं नीचे गिर गया, सब छत बनाते बनाते, लेकिन कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, कोई बात नहीं है, फटाफट से मैं फिर से ऊपर चलकर बनाता हूँ। और एक मिनट, ये डर्ट गलती से लग गई यार, फिर डर्ट लगती। अब सब हाँ, तो चलो अभी फटाफट से अभी हम जाकर ऊपर का जो और छत थी वो बनाते हैं, थोड़ी सी रहती थी। हाँ एक मिनट, संभल के मुझे थोड़ा रहना पड़ेगा, यहाँ से मैं बार बार गिर रहा था, मेरी हेल्थ कम हो जाती जैसा मैं कर रहा था। तो अभी फटाफट से यार गलत लगा दी, ये बस थोड़ा सा आगे, ओ फिर गिर गया, लेकिन कोई बात नहीं। और ये हमने एक साइड तो पूरी कर दी है बस अब। तो आई तो फटाफट से हम फिर से ऊपर चलते हैं, और ये हमने इस वक्त लगा दिया, आप देख सकते हैं अभी हमने ये कंप्लीट कर दिया बस अब। थोड़ी सी रह चुकी है इस तरह, इधर इधर, और हमने इस तरह ये लगा दी है। ये थोड़ा सा हिस्सा मैंने छोड़ दिया है, इसमें हम ग्लास लगाएंगे बाद में। फटाफट से मैं करता हूँ, और ये मैंने तकरीबन लगा दिया है। और अभी दूसरी साइड भी हमने फाइनली कंप्लीट कर दी है, अभी थोड़ी सी रह चुकी है इस तरह और इस तरह आ देंगे। बस अभी रात हो चुकी है, तो मैं भी कभी मुझे सोना चाहिए, और कल अपने काम को थोड़ा सा ना फिर वो हम कंप्लीट करेंगे। तो गाइस, तो अभी फटाफट से मैं जाऊंगा सोने चलते हैं, और ज़ॉम्बीज़ की बारात आना शुरू हो चुकी है, ये बारात मुझे मारे तो इस वजह से मैं जाकर सो जाता हूँ फटाफट से, और सुबह कर अपना बाकी का जो काम है वो कंप्लीट कर देता हूँ। तो व्हाट्सअप गाइस, वापस से हमने कर दी है माइनक्राफ्ट की दुनिया में सुबह। तो अभी फटाफट से जो भी काम रहता था कल वो पूरा कर दूंगा आज, और आज हमारा जो ग्राउंड होम है वो पूरा हो जाएगा। तो फटाफट से भी मैं चलता हूँ, गेट खोलो पहले तो, और इस तरह हमने और भी फटाफट से मैं चलता हूँ ऊपर, और अपना ये दो साइड्स पूरी कर देंगे आज, इस तरह लगा दूँगा इस तरह, और मैं वापस से नीचे गिर गया। सबसे पहले मैं इधर इस तरह लगा देता हूँ, और इस तरह एक मिनट ये पहले इधर थोड़ा ब्लॉक लगा लेता हूँ ताकि मैं थोड़ा नीचे हो जाऊँ। अब हम लगा देंगे, और ये हमने साड़ी पूरी कर दी है अब फटाफट से ऊपर चढ़ने के लिए। तो
सच चल गया मैं अभी फटाफट से उसको तोड़ देते हैं। फटाफट से हम अपनी ये वाली साड़ी बना लेते हैं जल्दी जल्दी और इस तरह हम लगा देंगे और ये इस तरह। तो अभी फटाफट से मैं एक बार ये जो है पूरी कर लेता हूँ और ब्लॉक लग गया। तो अभी फटाफट से हम अपना फटाफट से लगा देते हैं इधर ब्लॉक्स और छत को कंप्लीट करते हैं और अपना होम ग्राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। इस वक्त थोड़ा सा रहता है, अब ये हम इधर से जोड़ देंगे इस तरह और इस तरह लगा देते हैं। इसको भी कवर कर देंगे हम ब्लॉक्स लगा के इस तरह इस तरह और इस तरह। और ये हमारी दीवार ये वाली कंप्लीट हो गई है। अब बस हमें यहाँ व्लॉग्स लगाने हैं कुछ इस तरह और फिर हमें थोड़े ब्लॉक्स से ये जोड़ देना है इस तरह। और अभी मैं यहाँ डोर लिखेंगे और डोर लगाएंगे फिर अपनी इंटरेस्ट में। और ये इधर मैंने डोर लगा दिए, तो डोर लगा दिए। अब हम इधर ब्लॉक्स लगाते हैं, पहले तो ब्लॉक्स लगा लेता हूँ। अभी मैं फटाफट से यहाँ पे ये दीवार कंप्लीट करूँगा, उसके बाद हम छत बनाएंगे और फिर हमारा ग्राउंड तैयार हो जाएगा। तो गाइस फटाफट से मैं ये दीवार जो है कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद में छत को भी फटाफट से कंप्लीट करना है। अभी हम फटाफट से ये गाइस फटाफट से मैं ब्लॉक लगा दूंगा यहाँ पे जल्दी जल्दी। फटाफट से मैं ये दीवार को कंप्लीट करूंगा, उसके बाद छत बनानी है। हमारा ग्राउंड ते फ्लैग होम तैयार है इस तरह और कुछ इस तरह और बस कुछ ब्लॉक लगाने हैं। अभी जिन जिन जगहों को मैंने ब्लॉक नहीं लगाए तो मैं वहाँ पे ग्लास लगाऊंगा, पर उससे पहले मैं यहाँ थोड़े से जो है ब्लॉक्स लगा देता हूँ इस तरह इस तरह इस तरह। और ये मे भी इतने ब्लॉक ठीक होंगे। और ये बस आखिरी ब्लॉक। तो अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ब्लॉक लगा देता हूँ और फिर हम लगाएंगे ग्लास। एक दफ़ा मैं ग्लास लगा देता हूँ, उसके बाद हम छत को कंप्लीट करेंगे। ग्लास हम लगाएंगे अभी। इधर अब मैं टाइप करूँगा ग्लास फटाफट से और ये हम ग्लास यहाँ से लेंगे और ग्लास को फटाफट से हम लगा देंगे इधर कुछ इस तरह से। और ये और बस एक, तो अब एक साइड पे तो लगा दिया, अब बस इधर लगाते हैं और उसके बाद छत को कंप्लीट करते हैं और फिर अपनी चेस्ट ड्रॉर वगैरह और बेड लगते हैं। और अभी मैं यहाँ लिखूँगा सबसे पहले कारपेट, मैं सोच रहा हूँ हम सॉरी अभी मैं डर्ट लगाएंगे सबसे पहले छत बनाएंगे कुछ इस तरह, ये और ये और इस तरह छत बना देंगे।
और पर स्पाइडर घूम रही है, लेकिन अभी मुझे उसे कुछ नहीं है, उनको अपना घूमने दो। और फटाफट से अभी हम लगा देंगे अपने ब्लॉक्स। और ये हमारा जो है छत थोड़ी सी कंप्लीट हो चुकी है, अब बस थोड़ी सी रहती है। और इस तरह हमने ये भी लगा दी, अब यहाँ पे इस तरह और इस तरह और फिर इस तरह लगा देंगे। और यूँ हमने अपनी छत को कंप्लीट कर लिया है, अब बस हम थोड़ी सी रेड कारपेट लगाएंगे अब यहाँ पे, फिर उसके बाद अपनी चेस्ट और बेड को लगाएंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ कारपेट, CARPET कारपेट, ग्रीन वाली हम सोचें कारपेट लगाएं, तो फटाफट से भी ग्रीन वाली कारपेट लगाते हैं। इस तरह सा, सा। और ये इधर 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 इस तरह, ये इस तरह। और हमने अपनी हाफ कारपेट तो लगा दी है, अब बस थोड़ी सी और कारपेट। फाइनली हमने पूरी कारपेट लगा दी है, अब बस हम अपना जो है वो चेस्ट बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी टॉर्च लगा देते हैं और उजाला कर देते हैं, इस तरह इधर 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 और इधर। और अब थोड़ी रोशनी आ रही है, तो अब फटाफट से हम पहले चेस्ट स्टिक बनाएंगे। पहले तो बेड हम करेंगे येलो कलर का, और इधर हम लगाएंगे बेड को, इधर लगाएं, एक मिनट ये बेड करेंगे। ओ अच्छा, मुझे समझ गया कि ये कारपेट मेरे ख्याल में बेड नहीं लगता, तो अभी मुझे थोड़ी कारपेट हटानी पड़ेगी। लेकिन मैं बाहर से चेक कर रहा हूँ कि क्या बाहर में हम लगा सकते हैं, क्या बाहर लग रही है बेड या फिर नहीं। इधर तो लग रहा है, तो फटाफट से गाइस मैं कारपेट थोड़ी हटाता हूँ, इस तरह इधर इधर भी नहीं। हाँ, अब प्लेस कर दिया हमने, तो अब हम जो है फाइनली चेस्ट को इधर रखेंगे और बस फिर डबल चेस्ट बनाएंगे। बेस को काटो और चेस्ट, एक मिनट इसके लिए हमने अपनी अभी फटाफट से मैं ये चेस्ट रख देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा एक मिनट ये यहाँ पे जो है ये कारपेट उठा देता हूँ, क्योंकि कारपेट पे ये नहीं लगती चेस्ट वगैरह, तो ये यूँ चेस्ट लग गया। और इस वक्त मैं सोच रहा हूँ इधर भी थोड़ी लगा दूँ चेस्ट। और हाँ, तो डबल चेस्ट मैंने इस वक्त लगा दिया, और इस वक्त रात जो है हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ सो जाता हूँ, उसके बाद जो है कल जो है आपको फाइनल लुक दिखाएंगे अपने घर की। अंदर से तो आपने देख लिया, अब बाहर से आपको दिखाते हैं फटाफट से। सुबह हो चुकी है, तो गाइस गेट बंद करो और मेरा चीज़ देख सकते हैं आप, नीचे उतरो पहले तो, और एक मिनट ऊपर चलो, और
और वाह, मतलब कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है ये सब। मेरा घर और फ्लाईओवर, और नीचे तलाश कर मैं देखूं कि मुर्गियों का क्या हुआ। मुर्गियों का भी ठीक हो गया, मैंने पहले फीड खिला देता हूँ थोड़ी। चलो अच्छा हो गया, तो गेट बंद करते हैं गाइस अभी। तो थोड़ा ऊपर चढ़ो, और ये है मेरी फाइनल लुक, फ्लाई होम ग्राउंड की फाइनल लुक। और कितनी ज़्यादा प्यारी लुक आप लोगों को नज़र आ रही है। सो गाइस, इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दोबारा मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।